जिस तरीके से मैं आपको भाई मानता हूँ, उस तरीके से मेरा प्रमोद प्रेमी, मेरा तूफानी लाल, मेरा पवन सिंह, मेरा कोई भी, मनोज तिवारी, सब लोग मेरे भाई हैं। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज 99 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आएगा उसे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हेलो, हाय मित्रों, मैं आपका भाई संतोष रुण यादव, और चूंकि आप सबका बार बार फ़ोन आ रहा है कि उनका कैसा अभी न्यूज़ है, तो उनके न्यूज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी उनकी जो तबीयत है, डॉक्टर साहब 48 घंटे के लिए स्थिर बताए हैं, और उनका कहना है कि 48 घंटे तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि बोले हैं कि ये मैक्स हॉस्पिटल के इतिहास का दूसरा सबसे क्रिटिकल केस दिखाई दिया है जिसमें एक साथ इतना ऑर्गन खराब हो गया है किसी पेशेंट का। एक और मैक्स के इतिहास में भैया कोई भी है, प्लीज़ अभी कॉल मत कीजिए। एक और ऐसा हुआ है, जैसे डॉक्टर साहब का कहना था कि एक और पेशेंट आए थे जिनकी बचने की उम्मीद मात्र 22% थी और उनको बचा लिया गया था इस हॉस्पिटल में, की उम्मीद 30% है, हालांकि 70% ये ज़िंदगी हार चुके हैं, 30% अभी बचने की उम्मीद बताई जा रही है डॉक्टर साहब के अनुसार। तो डॉक्टर साहब बोले हैं कि डॉक्टर साहब हालांकि बहुत हिम्मत दिए हैं और हिम्मत देने के साथ में बोले हैं कि संतोष जी, आप अपने तरफ से जो आपका जो काम है पैसे का व्यवस्था करना, ये भैया एक बात हम और कहना चाहेंगे भैया कि प्लीज़ कॉल जो है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं तूफानी भैया कैसे हैं, क्या हुआ उनको, भैया बस। तो बहुत सारे लोग जो कॉल बार बार करते हैं, थोड़ा सा भैया आप समझिए, सिर्फ कॉल रिसीव करना, अरे गजब, देखिए बार बार इरिटेट कीजिएगा, लास्ट में मैं मोबाइल ऑफ़ कर दूंगा, सारा मोबाइल मैं ऑफ़ कर दूंगा। बात समझने की कोशिश कीजिए, इरिटेट मत कीजिए। क्या दिखाना चाहते हैं ये संगीत सीखो चैनल, क्या दिखाना चाहते हैं? एक तो भैया आप ही बताइए, यहाँ पे आदमी नहीं है, सारा चीज़ हैंडल करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। कॉल कीजिए, जिनको उस तरह की नीड है वो कॉल कीजिए, बाकी हम समझ रहे हैं, आपको भी दर्द हो रहा है, आप उत्सुक हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए, तो इस चीज़ को कम से कम समझिए बात को। आप समझ सकते हैं भैया कितना कॉल आ रहा है अभी, तो आप समझिए कि हम उधर जाएं, हॉस्पिटल जाएं, ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, दवाई लाने के लिए जाएं कि आपका कॉल रिसीव करें। आप सभी के लिए हम अभी हम लाइव आए हैं और बता रहे हैं उनकी स्थिति, 70% वो ज़िंदगी हार चुके हैं, 30% पे ज़िंदगी के साथ वो लड़ रहे हैं, मौत के साथ वो लड़ रहे हैं, ज़िंदगी और मौत का खेल खेल रहे हैं वो। डॉक्टर ने हिम्मत दिया है कि पेशेंट को हम बचा लेंगे, बस आप अपने तरफ से जो आपका जो काम है यानी पैसा का व्यवस्था करना, आप उसको व्यवस्था में लगे रहिए और बाकी का काम आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इनको बचा लूँगा। पैसा जहाँ तक है 30 से 35 लाख रुपए की खर्च अभी बताई जा रही है, इनको यहाँ से रिलीज करते करते 30 से 35 लाख रुपए खर्च होंगे। बहुत सारे जो मित्र हैं हमारे, मित्र प्रमोद प्रेमी जी, गोलू गोल्ड जी, मनोज आर्यन जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग का अभी देखिए थोड़ा सा दिमाग टेंशन में, नाम हम भूल जा रहे हैं, तो बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, बहुत सारे मित्र हैं जिनका बहुत बहुत योगदान आया है, प्रियांशु सिंह जी, प्रकाश सिंह जी, पंकज सोनी जी, बहुत लोग आया है। तो जो भी है, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से इनको मदद करने की ज़रूरत है,
पैसे की ज़रूरत है, और ख़ास करके हम दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे जो भी लोग जो 50 रुपया 10 रुपया तक का, खुशी हमको तब मिलता है देख करके मैसेज जब 10 रुपया भी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, बहुत बड़ी बात है। वो 10 रुपया नहीं बल्कि 10 करोड़ के बराबर है हमारे लिए, क्योंकि उस दस रुपये में 2 सिरिंज कम से कम लिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है भैया, इंसानियत की बात है। हाँ, दुख भी कुछ कुछ बात के लिए दुख भी है। जिस इंसान के लिए आदमी क्या क्या नहीं किया, आप समझ सकते हैं आप उस बात को, उस इंसान को क्या पता नहीं है? क्या उनको पता नहीं है कि आज तूफान लाल यादव किस स्थिति में है? पूरी दुनिया को पता है, सारे लोग। मनोज तिवारी जी का भी अब कॉपरेशन मिलना शुरू हो गया है। इवन कौन लोग किनका कॉपरेशन नहीं मिल रहा है? मनोज तिवारी जी का, पवन सिंह जी का कॉपरेशन मिलना शुरू हो गया है। खेसारी जी को पता नहीं है, खेसारी जी के भाई का कॉल आया है, शंकर जी का कॉल आया है, पंकज जी का कॉल आया है। खेसारी भैया जिंदा बड़ा के मर गए, मर दे जमीर जिंदा बा, मरल लिखा नू नईखा मरल तो कम से कम ये खाली कॉल करके पूछ ला एगो भाई बास बड़ा सीरियस बा, का करब बहुत कोनो जिंदगी के दुश्मनी है का तूफान लाल यादव से? ये तूफान लाल यादव कैसे भुला गए मर्दनामा खराब आदमी? ये तूफान लाल यादव जे तारा मुसीबत के वक्त में, खेसारी भैया याद कीजिए, मुसीबत के वक्त में आपको ये तूफान लाल यादव ने काम दिया है। जिस समय आप कुछ नहीं थे, आप एंगल कंपनी में गाया करते थे और तूफान लाल यादव प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उस समय इनका नाम बिक्की बॉस था। कहाँ क्यों क्या कोई दुश्मनी है का? अरे भैया दुश्मनियों है तो कम से कम मुसीबत के वक्त में दुश्मनी नहीं साधा जाता है भैया? कहाँ गईला जिंदा हवा खेसारी भैया कि मर गईला? मर गईला तो कहत आके दाह संस्कार कर दी तार कि पितृपक्ष में जाकर गया में मरदे, तो इन्हें जाके बोध गया में तार पिंड दान कर दी मरदे। कहाँ बड़ा तू? अब बाद में आकर कहब बाद में कि हम हई संतोष इन्हें व्यस्त बनी होने व्यस्त बनी का हो गई तू? राष्ट्रपति तू हो गई हो, इतना व्यस्त हो गई कि जाके चांद पर जाके बस गई? हमनी सब काम नहीं के तहरा के काम नहीं खे, राक्षस प्रवृत्ति बन गया का हो? दिमाग में राक्षसी अब बुद्धि घुस गई बा, सोना खाएबा सोना दिशा फिरबा मरदे पगला बहन चो तो हमारा दिमाग सन कि रे मादर चोत खेसारी तो मारला शुरू कर भोसड़ी वाले बुझलीस बहन चो दोनों। जिस तरीके से मैं आपको भाई मानता हूँ, उस तरीके से मेरा प्रमोद प्रेमी, मेरा तूफान लाल, मेरा पवन सिंह, मेरा कोई भी मनोज तिवारी, सब लोग मेरे भाई हैं। एक तरफ मेरा भाई जूझते रहेगा मादर चोत और खेसारी तुमको पता नहीं है? पता नहीं है तुमको कि हम किस कंडीशन में है, यहाँ पे किस कंडीशन में आदमी जूझ रहा है? नहीं नहीं भैया, इस भोसड़ी वाले को, इसको जितना किए है माधर चौथ को, नहीं, ऐसा नहीं। कौन नहीं इसको किया है? तूफानी भैया इसके लिए क्या नहीं किया है बताइए, गद्दार आदमी को? कोई बात नहीं, उनके जो धर्म है वो कर रहे हैं, आपकी जो धर्म है। शर्म नहीं आती है? एक कॉल से भी चला गया आदमी, मैसेज तक कर देता कम से कम यार, एक कुछ नहीं करता कम से कम, एक फेसबुक पे अपने पेज पे आज अपने गाना को प्रमोट करने के लिए टाइम था, और ये नहीं लिखना था कि हाँ कम से कम तूफान लाल यादव का तबीयत खराब है, कम से कम भगवान उनको स्वास्थ्य लाभ दे, नहीं लिखना चाहिए था? हैं अरविंद अकेला कलू रात के 1:30 बजे कॉल कर लिया हवन का मैंने कॉल कर लिया तो का मैंने अरविंद अकेला के 4 गो फिल्म कहा दे दिया लस संतोष रेणु चाहे तूफान लाल प्रमोद प्रेमी बेचारा रात के कम से कम रात से कम से कम आज 10 वाली फोन कैले अवन, दिनेश भैया के टीम के आदमी फोन कैले अवन, पवन सिंह जी के टीम के आदमी फोन कैले अवन, मनोज तिवारी जी के टीम के आदमी फोन कैले अवन, के नहीं के फोन कैले? खाली खेसारी लाल के छोड़ के, खेसारी के छोड़ के नहीं के फोन कैले? अरे मर्दे कितना गिरबा मर्दे, कितना गिरबा?
मरबा तक सब कुछ लेके जेबो जा। चलो ठीक बा, भगवान तहरा भाला करुस भाई, खूब ऐसे ही रह। अरे ना रोशन, गाली गाली देवे के बात नहीं के बबुआ, इस सब आदमी के का कहल जाओ, इस सब आदमी कुछ ना, इस सब खाली खेसारी लाल यादव सबसे दोगला आदमी, ये चाहता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सारा कलाकार मर जाए और अकेले हम राज करें। खेसारी लाल यादव की यही इच्छा होती है, इससे और क्या साबित होता है, क्या इससे साबित होता है जी, इसको क्या कहा जा सकता है। तू एगो मैसेज कर देबा तक तो फैन लाल यादव के 5 किलो खून का पड़ जाइयो, एगो सहानुभूति होला, एगो लगेला कि ना भाई वो घर के एगो और भाई के सहयोग मिला था हमरा, बुझला। तारा मैसेज कैला से तू कोनो भगवान ना आब, तू कि मैसेज कर देबा तो तूफान लाल यादव ठीक हो जाइए, उनकर किडनी ठीक हो जाइए, उनकर पैंक्रियाज ठीक हो जाइए, उनकर लीवर ठीक हो जाइए, फेफड़ा के पानी सूख जाइए, उनकर जो पेट खुल पेट पचक जाइए, ऐसा ना न भैया। इतना श्रोता जहान बेचारा परेशान हवे, दोनों मोबाइल पर सेकंडों सेकंड पर कॉल आवता, कितना दुनिया जहान परेशान बा, दुनिया से तो बाहर हो गए खेसारी भैया, मर्दे पगला। कोनो दिक्कत नहीं कि हम सब जितने भी भोजपुरी के चाहने वाले जितने भी श्रोता भगवान हैं, आप सबों ने साबित कर दिया है रियल में आप भगवान हैं, और रियल में आपने तूफानी लाल यादव को जितना प्यार आशीर्वाद दिया है, जितना प्यार आशीर्वाद दिया है तूफानी लाल यादव को, हम इसके लिए तहे दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं। चाहे जो लोग मदद करें नहीं करें कोई बात नहीं, उनका कॉल भी आता है तो खुशी मिलती है कि नहीं भाई चलिए कोई आदमी ना। और कुछ लोग से बस यही चीज़ है रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एक बार फ़ोन काटे तो भैया प्लीज़ समझिए हॉस्पिटल में है, कोनो नाइट क्लब में नहीं किया जाए, बियर बार में नहीं किया जाए कि 10 साली कॉल करा, बात समझे कोशिश कर, क्यों वो ऐसा आदमी बा जो 50 साली कॉल करा था। भैया हम जानत नहीं रउरो परेशान बनी, हम भी परेशान बनी, रउरो चाहते नहीं तूफानी जी अच्छा हो जास, हम भी चाहते नहीं अच्छा हो जास। भैया 50 साली कॉल कैला से इरिटेट होता हॉस्पिटल में आदमी बा, समझे कोशिश करी। तो बस यह चीज़ हम कहना चाहेंगे, जितने भी भोजपुरी समाज के दर्शक हैं, तूफानी लाल यादव जी के फैन फॉलोअर्स हैं, मैं आप सबों का नतमस्तक प्रणाम कर रहा हूं। आप सबों के बदौलत अभी तूफानी लाल यादव जी, आप सबों की दुआएं हैं कि पटना से तूफानी लाल यादव जी किसी तरीके से बच करके दिल्ली आए हैं, और यहां कम से कम डॉक्टर, हालांकि जो भी है क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन अभी वो जीवित हैं, और नहीं तो बहुत कुछ घटनाएं घट जाती। ये आप सबों का प्यार और आशीर्वाद है। इसके साथ साथ जितने भी लोग जो 10 रुपया से भी मदद किए हैं, 1 रुपया से भी मदद किए हैं, उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, या आगे भी जो मदद करेंगे उनका आभार प्रकट करता हूं। खेसारी भैया अगर मेरी बात से आपको बुरा लगा होगा तो माफ़ कीजिएगा, चार थाप मार लीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से आप मेरे भाई हैं उसी तरीके से कल्लू मेरे भाई हैं, तूफानी लाल यादव मेरे भाई हैं, मनोज तिवारी मेरे भाई हैं, मनोज तिवारी जी का भी अब आया है, अपडेट आया है, वो भी बेचारे चुनाव में व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने समय निकाल करके बुलाया है आदमी को कि आइए और हम करते हैं। गुजरात से कॉल आया, पंजाब से कॉल आया, कहाँ कहाँ से नहीं कॉल आया, वाह वाह रे खेसारी भैया, खूब बनल रहा तू। आदमी बोलता है चीढ़ करके बोलता है भैया, किसी को शौक नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि किसी बात का चीढ़ है हमको, बस यह चीज़ है कि एक उम्मीद रहता है। आप बड़े भैया हैं, बड़े भाई का जब हाथ जब कंधे पे जब आता है
तो बहुत ताकत मिलता है इंसान को। वो तो भाईलाल पूछते हैं जब जिस समय बोलते हैं, जैसे कभी कभी भैया कभी कभी कुछ कुछ इशारा करते हैं, पूछते हैं किनकर किनकर फोन आयल है, काहे ला पूछते हैं, ये चलते पूछते हैं कि उनको लगता है कि हाँ कौन कौन लोग हमारे साथ खड़ा है, समझ नहीं भैया। और ही कोनो बात नहीं के चली, सब ठीक बा। तो बस ये है बा सुजन सुजन कमला के बाद भैया हाँ समझत बड़न सब सब समझत रहे में पाइप कचरा हो गए तो ये सब बा भैया। बस बस आप लोग ऐसे ही दुआ कीजिए। लोग दुआ कीजिए कि जितना जल्दी अच्छा हो जाए। और आप लोग दुआ कीजिए भैया जितना जल्दी अच्छा हो जाए, क्योंकि बार बार कॉल आने से लाइव डिस्टर्ब हो रहा है भैया। और भैया एक चीज़, किसी बात का बुरा नहीं मानिएगा भैया, हम कड़वा बोलते हैं भैया, लेकिन जैसे हैं भैया अच्छे हैं। हमारा माए बाप ने यही संस्कार दिया है, खरा बोलो खोटा बोलो, मीठा मीठा हमको नहीं बोलने आता है भैया। करते हैं किसी के लिए करते हैं भैया, तो करते हैं भैया, जान जान भी दे देंगे। और इस खेसारी के लिए मैंने किया है, ऐसा नहीं हम मरते रहे ना यार, हट ना यार, हमको तुम नहीं करना पगला इंसान, हमको तुम क्या करोगे खेसारी, हम मरते रहेंगे तो कुछ दिखाते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए मरो, इस इंडस्ट्री के लिए मरो, समाज के लिए मरो। ये भोजपुरी का समाज, जिस समाज में अरविंद अकेला कल्लू, जिस समाज में रितेश पांडे, जिस समाज में मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह मिल करके समाज बनाया है, समर सिंह, उस समाज के लिए मरो खेसारी लाल यादव। जिस समाज के लिए दिनेश लाल यादव ने रहुआ ने मरा, उस समाज के लिए मरो, सिर्फ अपने पेट के लिए मत मरो, नहीं तो मरोगे तो कोई तुमको शमशान घाट भी पहुँचाने के लिए नहीं जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा लास्ट में तुमको, समझा। बस यही चीज़। और हम क्या कहें चलिए भैया, इसी तरीके से आप लोग दुआ करते रहिए, और जो जैसे सपोर्ट कर रहे हैं भैया सपोर्ट करते रहिए, अपने भाई अपने शेर तूफान लाल यादव को फिर से आप अपने आशीर्वाद के बदौलत खड़ा कीजिए, और आपका सहयोग चाहिए भैया, जी जान लगा देंगे, जी जान लगा देंगे, उनको खड़ा करेंगे आप सबों के बीच। आप सबों को प्रणाम। और बस यह चीज, प्रमोद जी आपको लव यू, गोलू जी लव यू, मनोज आर्यन जी लव यू, और जितने भी लोग जो 10 रुपया भी जो डोनेट किए हैं, 10 रुपया भी, उनको भी मेरा सैल्यूट। आपके अंदर इंसानियत है, आपके अंदर इंसानियत है, इस बात के लिए सैल्यूट। जो लोग 1 रुपया भी नहीं किए हैं, जो लोग कम से कम शेयर कर रहे हैं लाइव को, जो लोग कम से कम पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, उनको भी मेरा सैल्यूट। कम से कम आप भी योगदान कर रहे हैं, चलिए बहुत बहुत प्रणाम। और यही चीज़ कि तूफान अली यादव जी की तबीयत अभी स्थिर बनी हुई है, उनकी तबीयत 30% पे वो अभी जिंदा हैं, 70% उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, 48 घंटे का डॉक्टर की टीम ने समय लिया है, और उनका कहना है कि सूजन जब घटेगी तो 48 घंटे के पहले भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर सूजन नहीं घटी तो 48 घंटे के बाद ही हम कुछ कहेंगे कि ऑपरेशन कब करेंगे या क्या करेंगे। करीब करीब खर्च 30-35 लाख रुपए की खर्च उन्होंने बताया है। हाँ, ये बात हमको उन्होंने आश्वासन दिया कि बचा लेंगे, उन्होंने ये कहा है कि बचा लेंगे। आपका जो काम है पैसे का व्यवस्था करना, हमारा काम इलाज की व्यवस्था करना, हमको विदेश से डॉक्टर मंगाना होगा, विदेश से डॉक्टर मंगाएंगे, लेकिन बचा लेंगे, उन्होंने ये बात कहा है। और ये बात जब उन्होंने कहा तो मेरा सीना कम से कम चौड़ा हुआ और हम मजबूत हुए भैया। किसी भी कंडीशन में जब उन्होंने कहा है तो अब हम लोग लड़ लेंगे। और लभी तूफानी फैंस, जय हो भोजपुरिया समाज, आप लोग इसी तरीके से बने रहिए और अपने भाई अपने शेर को मदद करते रहिए। जय हो, प्रणाम। फिल्म और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज़ 99 को।